उज्जैन के इंदौर रोड पर 12 फरवरी और 13 फरवरी दो दिन तक भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें सभी विधायक पहुंचे हुए हैं। करीब 126 से ज्यादा वहीं राज्य सरकार के मंत्री और संगठन के दिग्गज नेता भी पहुंचे हुए इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए, जहां पर संगठन के नेता मंत्री और विधायकों की बैठक चर्चा चल रही है और दो दिन तक केंद्रीय मंत्री सहित कई दिग्गज नेता पहुंचेंगे इस प्रशिक्षण शिविर में। प्रथम दिन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, राज्यसभा के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय सहित कई नेता और कई पदाधिकारी मौजूद थे। समय बाद आपको उज्जैन प्रस्थान और बाबा महाकाल के दर्शन किए, क्या कुछ रहे आप बताएं? उज्जैन तो हमारे लिए केवल बाबा महाकाल की धार्मिक स्थान नहीं, लेकिन हमारा घर भी है और आज दर्शन करने का दोबारा शुभ अवसर हमको मिला, सौभाग्य मिला। इस मंदिर के साथ सिंधिया परिवार की पुश्तैनी एक भावना जुड़ी हुई है और इस मंदिर को हम एक भव्य रूप धारण करवाना भी चाहते हैं और इसी के तहत 15 वित्त आयोग को मैंने निवेदन किया था कि भगवान महाकाल की पुरानी जो निखार है उसे वापस लाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए और 75 करोड़ रुपए की मैंने मांग की थी, जो उन्होंने स्वीकार करके वित्त मंत्रालय को भेजा और फिर वित्त मंत्रालय ने भी स्वीकारता दी। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और 15 वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री एन के सिंह जी को, कि तीनों ने इसे स्वीकृति प्रदान की है जो मैंने निवेदन उनको किया था और इससे एक भव्य रूप हमारा मंदिर धारण कर पाएगा, यही मेरी एक आशा है। प्राचीनता ज़्यादा होनी चाहिए हमारे मंदिर में, जैसे उदाहरण के तौर पर ये फुहारे भी लगे हैं तो एक प्राचीन रुख होने चाहिए इन फुहारों के अंदर। मैं देख रहा था गर्भगृह में भी सफाई की सख्त ज़रूरत है, जो वहाँ चांदी लगी है मेरे पूर्वजों के द्वारा उसकी सफाई की भी बहुत ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों को, जो पुराना हमारा ये काला पत्थर है, इसका पॉलिश का निखार निकलना चाहिए, तो इन सब चीज़ों को उस योजना में हम लोग सम्मिलित करेंगे और हमारे मंदिर को एक भव्य रूप हम लोग प्रदान करने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में आप शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी का दो दिन का प्रशिक्षण शिविर है, किस प्रकार से यह आयोजित होगा और किस प्रकार से क्या रहेगा? ये भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के विधायकों का प्रशिक्षण शिविर है। दो दिवसीय शिविर उज्जैन में लगाया गया क्योंकि महाकाल की नगरी उज्जैन है और उज्जैन के जो भी यहाँ भी कोई कार्य शुभारंभ होता है तो उज्जैन से करते हैं तो महाकाल की कृपा बनी रहती है। ये दो दिन का शिविर अभी जो उज्जैन में है, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक रूटीन का जो है कार्य है, प्रशिक्षण का। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का भी प्रशिक्षण है, पहले हमारे कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हुआ है और ये प्रशिक्षण जो है देने से भारतीय जनता पार्टी का जो मंशा है कि हर व्यक्ति तक हमारे गरीबों को योजना पहुँचे, कैसे निचले स्तर तक हमारे जो विधायक निचले स्तर तक काम करें और अच्छे तरीके से लोगों की सेवा करें, इस हेतु ये यहाँ बैठक आयोजित की गई है। दो दिन का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है और साथ ही साथ में इस प्रशिक्षण शिविर के मौके पर पधार रहे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय वी डी भाई साहब और हमारे वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और अनेक यहाँ बड़े वरिष्ठ नेता हमारे पधारे हैं। 126 विधायक हैं, लगभग 100-125 हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ पर पधारे हैं। इन सबका मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, महाकाल की नगरी में उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और साथ ही साथ जो है हमारे उज्जैन के में पधारे उनका बहुत बहुत मैं आभार मानता हूँ। जय हिंद। उसका हमें ज्ञान होना आवश्यक है, अगर ज्ञान की अपूर्णता लगती है तो प्रशिक्षण होना आवश्यक है। प्रशिक्षण है, बदली हुई टेक्नोलॉजी में, बदले हुए तरीके में, बदली हुई परिस्थिति में और बदले हुए परिवेश में हमें प्रशिक्षण जरूरी है। टेक्नोलॉजी जब बदली है तो शासन की योजना जनता तक, संगठन की योजना अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचना आवश्यक है, टेक्नोलॉजी का सहारा है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है, संस्कारित संगठन है, स्वाभाविक रूप से समरसता लेके हम समाज के बीच में कैसे जाएं और समाज को कैसे जोड़ें, इसके लिए प्रशिक्षण आवश्यक है और इस पार्टी में ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, पहली बार नहीं हो रहा है।
नगरीय निकाय चुनाव को लेकर यहाँ पर वो तो भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, जनता लड़ती है हमारा चुनाव इंदौर में। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की।